अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हम ऑन अमेजोन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑफ अमेजोन किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च की कौन सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, यूनिक आइडियाज़ जो हम कहते हैं ना जनरेट करने के लिए, कि जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसमें ही आप एंटर हो जाओगे और उसी में मार्केट को सेचूरेट कर दोगे और आप नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें आप सीख लें तो अभी ऑलमोस्ट आज 29th ऑफ दिसंबर है, तो आपका जो 2022 है ना, 2022 में आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ें नहीं कर रहे, आप वो चीज़ें करोगे तो आप इजीली मार्केट में कंपटीशन होगा, अभी मार्केट सेचुरेट होगी भी, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हो, अपनी यूनिकनेस लेकर आ रहे हो, आपके अपने तरीके हैं। ठीक है, तो अब ये मैं सिंपल ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर देता, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, स्पेशली उन लोगों को जो न्यूबीज़ हैं, जो फंसे हुए चीज़ों में, और जो टिपिकल जो मेथड्स हैं ना उन्हीं में ही। हालांकि मैंने जो टिपिकल मेथड्स हैं उनको भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताई हैं चीज़ें, लेकिन मैंने कहा चलो आज इस पर ना कवर करके इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, तो ये ब्लॉग्स का आप ये ब्लॉग आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मैं तो जनरली आज देख रहा था, मुझे सामने आया था, तो मैंने जब इसको रीड किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, हम इसका पहला ले लेते हैं, पहली टेक्निक जो है इसकी, पहली है रिसर्च हैशटैग्स ऑन सोशल मीडिया टू अनकवर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें यही है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोरा, रेडिट, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, आप वहाँ से अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हो। आप कोई भी एक नीच पकड़ लो, ठीक है, नीच पकड़ लो, उसके अंदर की सब नीच पकड़ लो। मिसाल पर मैं किचन की नीच पकड़ता हूँ, किचन एक ब्रॉडर नीच है, किचन के अंदर मैं बेकरी की नीच पकड़ लेता हूँ, उसमें बेकरी के अंदर फर्दर कुछ नीचीज आ जाती हैं, ठीक है, मैं उनमें से किसी नीच को पकड़ लेता हूँ। तो आप उस किसी नीच को पकड़ के उसके हैशटैग सर्च कर लो, या गूगल पे होते हैं कुछ ऑप्शंस होते हैं इंस्टाग्राम के हैशटैग रिसर्च करने के लिए, ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं, वो हैशटैग रिसर्च कर लो, या सिंपल आप टिकटॉक पे आप जाओ, टिकटॉक पे आप जाके सर्च करो ट्रेंडिंग अमेजोन प्रोडक्ट्स। ठीक है, टिकटॉक आप US मार्केट का वर्जन डाउनलोड करो, उसमें आप जाके सर्च करो, अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लो US, और हैशटैग्स में जाके सर्च करो टिकटॉक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, अमेजिंग अमेजोन प्रोडक्ट्स, इस तरह 3-4 हैशटैग्स हैं। तो टिकटॉक से आपको बहुत फिट आइडियाज़ मिल सकते हैं, यूनिक आइडियाज़ मिल सकते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हो चीज़। ठीक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक से भी आप जाके रेलिवेंट ग्रुप से आप प्रोडक्ट्स उठा सकते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी से जाके आप प्रोडक्ट्स उठा सकते हो। ठीक है, ये आपका मैंने अभी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ना की ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, आपको चीज़ों का आपके जहन में चीज़ों का, यार ऐसे ऐसी जगहों से भी प्रोडक्ट आइडियाज निकाले जा सकते हैं। सही है, तो इसमें बस ये बताया है, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, कि अब मैं पूरा ब्लॉग आपको पढ़ के सुना नहीं सकता कि आपका भी टाइम ज़्यादा होगा, मेरा भी टाइम ज़्यादा होगा, तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगा आपको, ये चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट मैंने समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह फेसबुक का बताया, फेसबुक से ग्रुप्स में आप सर्च करो, एड लाइब्रेरी में जाओ, और कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई तो मैं उसको आउट ऑफ द बॉक्स। स्टडी अमेजोन कैटेगरीज फॉर प्रोडक्ट रिसर्च दैट पीपल सेल। अब इसमें यही है जो हमने ऑलरेडी चीज़ देखी, आप कैटेगरीज में जो, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, वहाँ से उठा लेंगे सेलर टॉप का, उसका रिवर्स सर्चिंग कर लेंगे और प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देंगे। आप इस तरह ना करो, आप जो अमेजोन का प्रोडक्ट पेज है ना, मिसाल अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, तो अगर आप जो अमेजोन का प्रोडक्ट पेज होता है ना, आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमने मेरे आसपास, आप अपने आसपास देखो आपके आसपास क्या चीज़ है। ठीक है, मेरे आसपास है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे आसपास कारपेट है, मैं सर्च करूँगा रग, मिसाल के, अच्छा अब मैं साल के बाद, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने निकाली है रीपर, अब मैं इसको देखूंगा कि यार इसमें ना आपने, हम क्या करते हैं, हम बेस्ट सेलर्स में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो ना, आपने एक आइडिया निकाला है, तो आप उसी के अंदर से ही मजीद आइडिया सर्च कर लो। साल के बाद इसका मैं एसन खोल लेता हूँ, कोई भी एक एसन ओपन कर लेता हूँ, तो आप इसका जो ये यहाँ पे जो यहाँ ये जो चीज़ें आ रही हैं प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, यहाँ से आप अपनी रिसर्च करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से आप अपने आइडियाज निकालना शुरू करो, तो यहाँ से आपको बड़ी आपको आइडियाज मिल सकते हैं, यहाँ नीचे से आप देखना शुरू कर दो। इस तरह आप कैटेगरीज में जाके मुख्तलिफ फिल्टर लगा के मैनुअली अमेजोन पे देखो, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। और आप इस तरह करो कि आप 10 यूनिक प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लो, एक्सेल में सेव करके उन 10 की 10 का रिवर्स ऐसे इकट्ठा करके, जो मल्टीपल नीचेज के आइडियाज मिला के अपना कीवर्ड्स को देखो। ठीक है, तो आप कैटेगरीज ऑन अमेजोन जितनी रिसर्च अपनी कर सकते हो, ऑन अमेजोन स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा आप टूल्स की तरफ बाद में आए, पहले आप अपनी ऑन अमेजोन जो आपकी रिसर्च है ना, प्रैक्टिस है, उसको आप इम्प्रूव करें,
ऑन ऑफ अमेज़न आपका फिर बाद में जो है ना टूल से आपका इम्प्रूव हो जाएगी चीज़ें। अच्छा कई कैटेगरीज बताई हैं, वही चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप नीचे से आ जाए, हॉट न्यू रिलीजेज हैं हमारे पास, वहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं कि जो अभी अभी रिलीज हुई है, वहाँ से हमारे पास कुछ आइडियाज आ सकते हैं। इवन आपको यहाँ से ये डील्स उठाएं, आप इसको एक्सप्लोर करें आप। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड्स आते हैं, वाउचर से आप जाके देखें किन प्रोडक्ट पे वाउचर्स लगे हैं। न्यू रिलीजेस से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, वहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ये ऑन अमेजोन की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे एक चीज़ बताई है, टेस्ट द मार्केट। ये भी वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग $20K, $10K, $25K, 3 3 4 4 महीनों के आप इन्वेंट्री उठा रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं ये सॉर्ट ऑफ द एक सेशन कर रही हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर रहा हूँ, कि जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं रैंडमली, तो मैं उस सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनका भी फायदा हो जाए, और जो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, जो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कभी भी सारा पैसा प्रोडक्ट में नहीं डालना, ठीक है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो हमने $10,000 की इन्वेंट्री उठा ली, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करी, वो प्रोडक्ट इसीलिए नहीं परफॉर्म करी क्योंकि हमने उसको टेस्ट नहीं किया था उस टाइम। अगर हमने उस मार्केट की अच्छे तरीके से टेस्टिंग की होती तो हमें पता होता कि हमने किस वेरिएशन के साथ जाना है, किस डिज़ाइन के साथ जाना है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है, या हमें कीवर्ड्स जो है वो क्या बिड्स दे रहे हैं, हमारी पीपीसी पे कितना स्पेंड आ रहा है, हमारा सीपीसी क्या आ रहा है, या चीज़ें आप टेस्ट लॉन्च पे कर सकते हो। टेस्ट लॉन्च के लिए आप लोकल सोर्सिंग कर लो, आप पीबीएस उठा लो, वॉलमार्ट से उठा लो, 10 15 20 मिनट उठा के भिजवा दो, आप थोड़ा सा टेस्ट कर लो प्रोडक्ट पर, मार्केट बिहेवियर चेक कर लो, ठीक है, मार्केट बिहेवियर चेक कर लो, बाकी वैलिडेशन एनालिसिस वो तो पहले का काम है, ठीक है। अच्छा ये एक यहाँ पे टिप थी। अच्छा वॉल अराउंड ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स फॉर प्रोडक्ट आइडिया। अच्छा ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स क्या होते हैं, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं मोस्टली, जैसे आप पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर है, सीएसबी है, तो आपके आसपास जो भी ब्रिक एंड मोटर स्टोर है आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट कर सकते हो। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग चले जाओ $1 शॉप पे जाओ, वहाँ से अपना माइंड लाओ यार इसमें से क्या चीज़ें जो अमेजोन पे देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये कोई आसानी पैदा करिए, छोटी सी आइटम है, इजी टू शिप होगी, बहुत लाइट वेट है, एयर फ्राइट एयर शिपमेंट भी इसकी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आके उस नीच को रिसर्च कर लो, उस नीच में रिसर्च शुरू करो और उसको आप जाके देखा एक्सप्लोर करो, वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर जो US वाले हैं वो 9/11 पे जा सकते हैं, वॉलमार्ट से जाके आइडियाज ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेप्टाइल मॉडल भी होता है, अमेजोन का होता है रेप्टाइल मॉडल, तो अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसमें भी आप ब्रिक एंड मोटर स्टोर से उठा के चीज लेते हो, रेप्टाइल मॉडल में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं आपके, तो मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियोज बनाऊंगा। अच्छा फिलहाल वही चीज़ है कि आप जाऊँ आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखो, कैटेगरीज को देखो, एक्सप्लोर करो। अच्छा यूज द पिन्स एंड कमेंट्स ऑन पिंटरेस्ट टू सोर्स आइडियाज, तो पिंटरेस्ट पे मेरी एक डिटेल वीडियो भी है, और मैंने आई थिंक एक सेशन में भी बताया था पिंटरेस्ट का, तो पिंटरेस्ट से भी बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं। पिंटरेस्ट आपको बताऊँ, पिंटरेस्ट जो है ना वो अमेजोन से ईबे से अहेड ऑफ द टाइम है, ठीक है। पिंटरेस्ट पे जो ट्रेंड्स आ रही है वो अहेड ऑफ द टाइम है, मतलब अगर पिंटरेस्ट पे एक चीज ट्रेंडिंग में शो हो रही है ना, उसका मतलब है कि वो चीज़ अभी आएगी, वो अभी मार्केट में इन होगी, और पिंटरेस्ट पे वो चीज़ें पहले ही आ जाएंगी, क्योंकि पिंटरेस्ट का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है। तो जो कस्टमर्स आते हैं वो आते ही लेने की टेंशन से आते हैं, वो आते ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो पिंटरेस्ट पे अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो उसका मतलब यही है कि वो जो चीज़ है ना अभी अमेजोन पे, ईबे पे, एटसी पे, वो चीज़ अभी आएगी ट्रेंडिंग में, ये चीज़ होगी। हैंडमेड आइटम आइडियाज दे सकते हो आप, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दूँ कुछ, क्यों यूट्यूब से भी आप काफी आइडियाज सिखा सकते हो। तो यहाँ पे अभी मेरी आईडी लॉगिन नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे, तो आप सर्च कर लो, सिंपली आप सर्च कर लो हैशटैग अमेजोन प्रोडक्ट आइडियाज या किचन टूल्स एंड गैजेट्स, ठीक है, कूल आइटम्स, इस तरह की सर्च करो चीजें। एक पिन आप खोलोगे ना, एक पिन के अंदर से आपको थाउजेंड्स ऑफ पिन मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ पिन, उसके अंदर से आप एक्सप्लोर करते जाओ, ब्लॉग्स के लिंक्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स के लिंक्स पे जाओ, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करो, शॉपिफाई स्टोर्स हैं, शॉपिफाई स्टोर्स को एक्सप्लोर करो, वहां से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। अच्छा नीचे आ जाते हैं, वॉच काउंट, यूज वॉच काउंट टू सी व्हाट्स ईबे प्रोडक्ट सेल। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि आप ईबे ऑस्ट्रेलिया पे जाओ, ईबे ऑस्ट्रेलिया से आपको कुछ आइडियाज ऐसे मिल जाएंगे थोड़ी अच्छी प्रोडक्ट जो आपको आप अमेजोन यूएस पे दे सकते हैं। इसी तरह आप एक वॉच काउंट एक साइट है जहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ईबे पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से चल रहे हैं, मैंने इसको चेक किया था, ओपन नहीं होती है अभी, इसको देख लेते हैं, इसकी इसका एक रिप्लेसमेंट भी था, अब मुझे याद नहीं आ रहा,
तो उससे भी आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे खुल नहीं रही। माइट भी आप वीपीएन लगा के यूज करो तो ये खुल जाए, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकेंगे। ईबे पे आइटम्स अच्छी सोल्ड हो रही है, उनका आप आके ना अमेजोन पर डिमांड चेक करो, ठीक है। तो इसमें इसका पूरा डिटेल बताया, मैं इसकी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपके लिए पूरी एक किस्म की गाइड बन जाएगी आपके लिए। लेवरेज रेडिट टू सी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट दैट पीपल वांट। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रेडिट पर क्या होता है, रेडिट पर आप जाते हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं रेडिट पर। रेडिट और कोरा से आप कह सकते हो, तो कोरा से ज्यादा बेहतर है रेडिट। आप रेडिट में जाओ ना, हर एक रेडिट के अंदर सब रेडिट्स बने हुए, सब कम्युनिटीज बनी हुई है, वहां से जाके आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसका एक सब रेडिट देखो, देयर थाउजेंड्स ऑफ सब रेडिट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, माइंड द गोल्ड इन द सब रेडिट्स। तो सब रेडिट्स बेसिकली सब कैटेगरीज कह सकते हो, उनके अंदर नीच स्पेसिफिक लोगों के डिस्कशन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक टैब के नीचे है ना, तो टैब के नीचे में एक लोग होंगे जो ओवरऑल बात कर रहे होंगे, एक लोग होंगे जो सिर्फ स्पेसिफिकली आईओएस पे बात कर रहे होंगे, यार आईओएस में क्या एडवांसमेंट आ रही है, कौन सी नया वर्जन आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे बात कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी पे बात कर रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई एनएफटी पे बात कर रहा होगा, कोई डिफरेंट ब्लॉकचेन पे बात कर रहा होगा, कोई डिफरेंट एवोल्यूशन पे बात कर रहा होगा, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहा होगा। तो हर एक चीज की ना अपना सब रेडिट्स बने हुए, ये आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे ये सारा इसका और डिटेल्स में बताई हुई चीजें, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो लोग आंसर्स करते हैं, आप कम्युनिटीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को पढ़ो, उनके आंसर्स को पढ़ो, स्टडी करो, वहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। यूज कोरा टू सोर्स फॉर आइडियाज एंड गेट फीडबैक। अब कोरा के मैंने आपको बता दिया, कोरा भी रेडिट तरह ही है। आप क्वेश्चंस आप सर्च करो, अपना टॉपिक सर्च करो, वहाँ से आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ से आपको आइडियाज मिल सकते हैं। इवन अगर आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो ना अमेजोन पे, तो आप रेडिट और कोरा पर अपनी जो प्रोडक्ट की नीचे है ना, वहाँ पे जाके अपनी आपने मिसाल के तौर पर अपनी प्रोडक्ट में एक इनोवेशन लानी है। आप यूएस में लॉन्च करें, यूएस में आप पिकू से सर्च कंपेयर कर सकते हो चीज़ें। अगर आप यूएस में नहीं सर्च करें, यूके में लॉन्च कर रहे हो, तो यूके में पिकू उस तरह परफॉर्म नहीं करता। तो आप क्या करो, आप कोरा और रेडिट पे जाओ और अपनी जो कम्युनिटी है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बात हो रही है जो नीचे की, आप वहाँ पे जाके अपना पोस्ट क्वेश्चन पोस्ट कर दो कि यार ये प्रोडक्ट है मेरी, ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसके बदले ये डिज़ाइन लॉन्च करना चाहता हूँ, इसमें ये इंप्रूवमेंट्स है। तो क्या आप लोग किसको प्रेफर करेंगे, इस ए को उसकी प्रोडक्ट को या बी को मेरी प्रोडक्ट, तो वहां से आपको काफी कंपैरिजन करके आप लोगों का फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आप यहाँ से ये देखा, हैव अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आस्क व्हाट पीपल थिंक, यू कैन आल्सो सर्च प्रोडक्ट टू सी व्हाट अदर्स हैव सेड अबाउट इट। तो बस वही, ऑब्वियसली आपने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है। मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग मुझे मिला है, इसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हैं, और मैंने लास्ट में सोचा इसकी वीडियो बनाई हो। माइन अमेजोन रिव्यूज और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन आइडियाज। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली स्टेज पे ही आ जाती है कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और आपने उसके नेगेटिव रिव्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। अब प्रोडक्ट्स है वो तीन चार किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं कि प्रोडक्ट्स में कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपने आंसर करना है। पहली जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं ना अपनी कंपेटिटर की प्रोडक्ट, उनको आप पहले ही मॉडिफाई करके अपनी प्रोडक्ट में कर लो, या अपनी लिस्टिंग की कॉपी में उस चीज़ को आंसर कर दो पहली, कि उनके क्वेरीज कवर हो जाए। अब उनकी इंटेंट्स हैं, बायर इंटेंट्स हैं, क्या कह रहा है बायर उस प्रोडक्ट से, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, वो जो चीज़ें आपने करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, लोग कंप्लेंट्स क्या कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, उनके रिव्यूज पढ़ो, उनका नोट करो अपने पास शीट में, बनाओ चीज़ें रेडी करो। उसके अलावा मार्केट स्टडी करो, देखो यार एक तो जो चीज़ है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं उसको इम्प्रूव करना है। उसके अलावा आप इनोवेशन क्या ला सकते हो, अगर क्या इसका बंडल किया जा सकता है, कोई प्रोडक्ट बंडल पे परफॉर्म करते हैं, कोई बंडल पे परफॉर्म नहीं करती, ये भी आपकी अब बंडलिंग एबिलिटीज है। इवन होलसेल में भी बंडलिंग करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, होलसेल में बंडलिंग करके, ठीक है। इस पर पूरा कोर्स भी है, एक मैं बताऊंगा आपको, होलसेल बंडलिंग और पीएल बंडलिंग के, होलसेल की बंडलिंग, पीएल की बंडलिंग आप देख लो, अब वेरिएशन देख लो, ऐड कर दो, वैल्यू ऐड कर दो, इवन कलर, बाजू का कलर चेंज करने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें से आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो ऐसी जो बायर को, ये नहीं कि अपने हिसाब से आपने इनोवेटिव बनना है, ठीक है। आपने वही चीज़ करनी है जिसको आपको कंफर्म हो गया यार ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी। और अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो आप उसको वही ऑब्वियसली कोरा और रेडिट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चेक कर लो, वो करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, और वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे, इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना उसकी पड़ जाए तो आपकी प्रॉफिट प्रॉपर्टी खा जाए और आपकी वो चीज़ सेलेबल ही ना। पेन पॉइंट्स, डिसअपॉइंटिंग पॉइंट्स, ये सारे पेन पॉइंट्स नोट कर लो बायर के। ये अगर आप कॉपी लिख रहे हो किसी के लिए, कॉपी राइटिंग कर रहे हो, अमेजोन की लिस्टिंग लिख रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आ जाएगी। आपकी बायर की रिसर्च, बायर परसोना, अपनी टारगेट ऑडियंस, या कस्टमर, या इवन किसी भी फील्ड में आपकी ये चीज़ काम आ जाएगी, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, मॉडिफाई किस तरह करना है, प्रोडक्ट को किस तरह आपने इम्प्रूव करना है, किस तरह आइडियाज़ को लेके आने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने बता दी। अच्छा, यूज़ अलीबाबा, ऑब्वियसली हमें पता है, अलीबाबा से भी आप जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन के लोगों से पूछ सकते हैं, सप्लायर से बात कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, कैटेगरीज में जाके प्रॉपर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नैरो डाउन टू स्केलेबल आइडियाज़, ठीक है। इसमें यह है कि यार आप ना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। अभी ये मैंने आपको बताया कि आप एक प्रोडक्ट में जाओ, वही चीज़ है, एक प्रोडक्ट में जाओ, उसके पेज पे जाओ, उससे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स आपको शो हो रही है, फ्रीक्वेंटली बाउट टुगेदर शो हो रही है, तो आप देखो या फ्रीक्वेंटली बाउट टुगेदर है जो उससे रिलेटेड, उसको मैं बंडल अप कर सकता हूँ या मैं लॉन्च कर दूँ सेम इसमें। अपने सेम नीच में आप एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, तो सेम नीच में अगर आपके पहले पा के पास पहले से ही 4-5 प्रोडक्ट्स होंगी, तो आप वन बाय वन उनको करके लॉन्च करते जाओ, बजाय कि आपने एक लॉन्च की फिर आप दूसरे के लिए शुरू से रिसर्च कर रहे हो, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर स्ट्रेटेजी होगी कि एक नीच में ही रिसर्च करो, एक नीच की कुछ प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लो, या उससे रिलेटेड आइटम्स को देख लो, बंडलिंग के लिए आइटर या ब्रांड बिल्डिंग के लिए, तो दोनों चीज़ों में ये चीज़ अच्छी अचीवेबल है। अच्छा, यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं जंगल स्काउट। ऑब्वियसली वो टूल्स क्या है, कीवर्ड स्काउट, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, वहाँ पे आप फिल्टर्स लगाओ, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ। तो फिल्टर में आपको एक चीज़ बता दूँ, हमेशा सर्च वॉल्यूम कम रखो, 1000, 500, 600। मकसद हमारा प्रोडक्ट, कोई भी टूल आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल के नहीं देता, ठीक है। तो टूल आपको आइडियाज दे सकता है, टूल्स आपकी प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकता है, लेकिन टूल आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं निकाल के देता, ठीक है। बहुत खुशकिस्मत आप हो गए तो आपको मिल जाती, और या बहुत ही आप अप्रोच अपनी ऐसी रखते हो तो आपको प्रोडक्ट भी मिल जाती है, काफ़ी मिल जाती है, लेकिन बहुत अब वो चीज़ जो कहते हैं ना यार, यकीन हो जाता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच पे चले जाओ आप, ठीक है। पहले कीवर्ड निकालो, कीवर्ड आइडिया जनरेट करो, उस कीवर्ड को सबसे पहले गूगल ट्रेंड पे जाके उसकी डिमांड एनालाइज करो, उसके बाद उसका ट्रेंड एनालाइज करो, उसके बाद उसके स्टैट्स देखो, बाकी चीज़ें देखो। हम क्या करते हैं, सारे चीज़ें देख लें, एंड पे आते हैं, तो एंड पे आने के बाद पता लगता है कि भाई जान प्रोडक्ट का तो गूगल ट्रेंड ही डेट था, ये चीज़ नहीं करनी। ऑब्वियसली ये अब ये है चीज़ें, लो कंपटीशन है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आप जाकर फिल्टर्स लगा सकते हैं, ये चीज़ है, और जंगल स्काउट वेब एप्लीकेशन है इसकी, तो लेकिन इसमें उस तरह आइडियाज़ नहीं आते, मोस्टली आपको सीजनल आइटम्स, इंटर रिलेटेड आइटम्स दिखाएगा। तो अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देखने हैं, तो आप सर्च वॉल्यूम लो डाल के बाकी फिल्टर्स लगा दो, तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिफरेंट आइडियाज़, यूनिक उनसे रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। यूज़ एरफ टू एवेल्यूएट योर कीवर्ड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये चीज़ ये है कि आप अगर कोई शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना जा रहे हो, अपनी वेबसाइट बिल्ड करने जा रहे हो ना, तो ये एरिफ्स है बेसिकली एक टूल है जो यूज़ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वेबसाइट्स की और उनके जो नीच के एनालिसिस करने के लिए, कीवर्ड्स को चेक करने के लिए। मैंने पर्सनली इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये मुझे मेथड बड़ा अच्छा लगा था, स्पेशली ये जब आप लॉन्च करने जा रहे हो प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में भी हेल्प आउट हो सकता है, ठीक है। डोमेन है, डोमेन की अथॉरिटी देख सकते हो आप, कौन सी प्रोडक्ट स्टैंडिंग में जा रही है, कौन से कीवर्ड की कितनी डिमांड है गूगल पे, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो ऑफ अमेजोन रिसर्च के लिए अपनी इस चीज़ को, ठीक है। और आइडियाज़ भी इवन आप निकाल सकते हो, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी आइडियाज हो जाएगा। यूज गूगल ट्रेंड्स टू वैलिडेट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी को गूगल ट्रेंड्स का नहीं पता, मैं आपको मेथड बेसिक सी छोटी सी मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, चले जाते हैं हम, ये प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किस तरह करनी है, एक आइडिया जो होता है। चलिए, अभी इंटरनेट इशू कर रहे थे हम इसको ना, बाद में देख लेंगे, ओपन हो गया, सही है। तो यहाँ पे आप गूगल ट्रेंड अपने पास ओपन कर लो, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जितनी आपको आज चीज़ें कवर हो सकती हैं चीज़ें कवर कर लें, ताकि ये वीडियो आप अगर इस वीडियो को आप पूरे 2022 में भी अप्लाई करेंगे ना, तो आप कहेंगे हमजा भाई आपने बात ठीक की थी, ठीक है। तो मैं इस वजह से ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिटेल में। मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ब्लैक बॉक्स में आ जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है। कीवर्ड्स गूगल ट्रेंड कर लिया, यूएस मार्केट है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है, मैंने आपको बताया था मिनिमम सर्च वॉल्यूम डालो। मैं इवन आपके यहाँ पे सारा क्राइटेरिया अप्लाई करके मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, किस तरह मैं यहाँ पे और नंबर डालता हूँ, 3-4-1-1 मंथली में कहता हूँ, मेरे क्लाइंट के बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मोस्टली 5,000 इस पर डिपेंड करता हूँ, ठीक है। आप
7.99 से भी कर, मैक्सिमम 35.99 तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, रिव्यूज। अगर आप रिव्यू अकाउंट जितना मैक्सिमम लो लगाओगे ना, उतनी प्रोडक्ट्स काम आएंगे। यहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं ढूंढने हैं अपने, तो हम इसको फिर भी कितना लगा देते हैं, बहुत हाई नहीं जाते, 3.8 इम्प्रूवमेंट हो हमारे लिए, 2 हो, मैक्सिमम 4 हो। मुझे एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चाहिए, वो बहुत लंबे लंबे दिखा देते हैं। एक्सक्लूड ये मैंने कुछ लगाए हुए हैं थोड़ा बहुत, इसको आप बारबेक्यू, क्रिसमस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पीकर्स, हैलोवीन, ये इवेंट्स आते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को आप निकाल दो। कैटेगरीज कर लो आर्ट्स। अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखा नहीं रहा ना, मैं बेसिक चीज़ें लगा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं कुछ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप वन एक सिंगल कैटेगरी से भी ले सकते हो स्टार्ट, ठीक है। मुझे 5 ज़्यादा वेरिएशन चाहिए, ऑल्दो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में भी लॉन्च की जा सकती है, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं 5 ज़्यादा पे नहीं जाता, और अभी इसको नहीं चलना, ठीक है। इतनी सर्च करते हैं, मैं सब 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 फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो। यहाँ आप देखो इतनी सारी चीज़ें लगाना, अब आपके पास 200 आ रही है, मैं इसको और कर देता हूँ, कहता हूँ कंपीटिंग प्रोडक्ट 10,000 मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन आप जितना इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे प्रोडक्ट्स कम होंगी, हर किसी के लिए काम नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट मिली है ऐसे ही, मिसाल आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स से जो आपके पास कीवर्ड आया ना, आपने उसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखना, ऑल टाइम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो गूगल ट्रेंड पे देख लो। अगर तो ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, प्रोडक्ट नेम है, तो गूगल ट्रेंड पे आ जाओ, गूगल ट्रेंड आप देखते हैं। इंटरनेट इशू का चलो हम इसको बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन मकसद ये है कि पहले आपने इसका ट्रेंड देखा, ट्रेंड देखने के बाद गूगल ट्रेंड देखा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे आइडियाज नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से ही इतनी ज्यादा प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ ऐसे ही सिंपल सा, ये आप फिल्टर्स लगा लें और आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। उनको आप वैलिडेट कर लो, नहीं मैच करी तो उनके रिवर्स सेशन कर लो, बेस्ट सेलर का स्टोर फंड पे चले जाओ, तो एक दिन में आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। अभी इंटरनेट इशू कर रहे तो उसको हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, गूगल ट्रेंड का मैंने आपको बता दिया। आप जब कीवर्ड सर्च करते हो ना, तो आपका स्कोर आ जाते हैं 25, 50, 75, 100। आपने कोशिश करनी है आपका 25 से ऊपर ऊपर रहे, कंसिस्टेंट रहे स्कोर से, 50 से ऊपर जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऑब्वियसली उसमें कंपटीशन भी, अगर आप अमेजोन पे कंपटीशन लो है, गूगल ट्रेंड 25 से ऊपर है, तो मतलब आपका कीवर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए खुल गया, आपको थोड़ा दिखा देते हैं, हम यूएस में देख रहे थे, यूएस 5-12 मंथ का कभी भी नहीं करना, हमेशा 5-5 ईयर्स का करना। ये देखें मोस्टली इसका 25 की रेंज में, 25 से ऊपर आ रहे। मैं इसको बैड गूगल ट्रेंड नहीं बोलूंगा, कीपिंग इन द व्यू इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आल्सो, तो ये कंसिस्टेंट है कि रेंज में, बिल्कुल डेड होता है ना, बिल्कुल डेड होता है, मैं कहता यार ये ट्रेंड ठीक नहीं है। उसके बाद मैं जाऊंगा अमेजोन पे, और उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट का जो पेज है ना, पेज का एनालाइजेशन करूंगा टूल रन करने से पहले, ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये है अब, अच्छा उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये, पीपीसी की स्पॉन्सर्ड में आप देख आइडिया लगाते हैं इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितने हैं। ये देखो 45, 560, 3000, 5000, 2000, तो मोस्टली हाई रिव्यूज वाले टॉप स्पॉट्स पे आ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ये प्रोडक्ट रिव्यूज ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो। अक्रॉस द पेज आप देखेंगे हमें ज़्यादा रिव्यूज वाले सेलर ज़्यादा नजर आ रही है, कम रिव्यूज वाले नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई चीज़ है, मैंने खुद पहली बार देखी, पता नहीं क्या स्कोर पढ़ने नहीं पता चलेगा, तो यहाँ से भी इसकी ये चीज़ें आ रही हैं। अगर हम इस पे हीलियम रन करके देखते हैं, मोस्टली मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें स्पेस नज़र आ रही है, 2 रिव्यूज भी हैं, और ट्रेंड देखो हमने, आप ट्रेंड हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता है गूगल पे भी इसकी डिमांड है, ब्लैक बॉक्स पे भी इसकी डिमांड है, हमने ट्रेंड पहले ही एनालाइज कर लिया इसका। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा इस पे हीलियम रन कर देना और बाकी चीज़ें एनालाइज करें, बाकी क्राइटेरिया भी मीट करें, हम इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे फिलहाल के लिए अपनी प्रोडक्ट को, आगे देख लेंगे इसमें कोई इश्यू है, नेगेटिव रेटिंग है, फीडबैक क्या है, और इम्प्रूवमेंट क्या की जा सकती है इसमें, ठीक है। अब ये ना इंटरनेट ये टूल्स बना रहा है, तो बहरहाल जो भी है, हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिसर्च में सीख, हम आइडियाज सीख रहे हैं, 21 आइडियाज कवर करने हैं, तो आगे चलते हैं। गूगल ट्रेंड आपको बता पता चल गया, थोड़ा तरीके देखने का एक तरीका पर बता दिया आपको सिंपल सा, रिसर्च CAGR टू वैलिडेट लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ। अच्छा ये क्या, गूगल सर्च मार्केट ग्रोथ, अच्छा कीवर्ड मार्केट ग्रोथ एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, अच्छा ये मैंने खुद नहीं पहले पढ़ा था,
इसको आप देख लेना, ये कोई चीज़ है। अब तो मेरे ख्याल में इसकी मार्केट डेप्थ है, उसकी रिपोर्ट है, मार्केट डेप्थ रिपोर्ट होती है इसकी, इसके एनालिसिस करने के लिए होती है कि उसका फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है इस नीच में, इस प्रोडक्ट में, तब उसको आइडियाज के ना इम्प्रूव आप अच्छी तरीके से उसको जज कर सकते हैं। मजीद आपने स्टडी आपका कितना डीप जाती है, अनकवर व्हाट योर टॉप कंपेटिटर्स आर डूइंग राइट। ठीक है, आप अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बना लो, उसके बाद आप इनकी यहाँ पे ना, इसमें कुछ टूल्स इन्होंने बताए हैं, ये देखो। हाँ सिंपल सा है, जो ब्रांड्स, जो टॉप के ब्रांड्स एस्टेब्लिश है ना, या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट है जो शॉपिफाई स्टोर्स हैं टॉप के, उनको आप सर्च करो, उनको एक्सप्लोर करो, या कोई ब्रिक एंड मोटर स्टोर है उनका ऑनलाइन अगर स्टोर है, ऑनलाइन भी वो बेच रहे हैं, वॉलमार्ट ऑनलाइन भी है, तो वहाँ से आप जाके देख लो कि उनकी कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रेंडिंग पे हैं। ठीक है, या आप चेक कर लो टॉप 100 मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ 2021, और टॉप 1000 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स 2021, टॉप 100 निच किचन ब्रांड्स होते हैं, टॉप 100 हेल्थ एंड हाउसहोल्ड ब्रांड्स, उनकी प्रोडक्ट्स को देखो, मैन्युफैक्चरर्स को देखो, क्या चीज़ वो बना रहे हैं, क्या चीज़ ट्रेंड है, उसको अमेजोन पे आके एनालाइज करो, एरिव से उसको स्कैन किया उनकी वेबसाइट को, उन चीज़ों को ये आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक देख सकते हो, किसी वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, उनका कॉन्टेंट क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने की, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। जब ब्लॉगर्स इन योर निच, अपने ब्लॉगर्स को देख सकते हो, ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे भी आप दे सकते हो। मेरा ये है कि टिकटॉक, मैंने आपको बताया, टिकटॉक पे जो होते हैं ना, ये जो अमेजोन की प्रोडक्ट्स का रिव्यूज करते हैं, इनकी मोस्टली थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज होती है जो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज होते हैं, और बड़ी अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उनको। आप ऑब्वियसली जब आप टिकटॉक पर सर्च करोगे ना कि फलानी नीच किचन, होम एंड किचन, या अमेजोन ट्रेंडिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, #AmazonFBA प्रोडक्ट, तो आपके पास जो एक दो तीन वीडियोज ऐसी आएंगी जो बहुत 4-5 मिलियन व्यूज गए होंगे, और बड़ी अच्छे तरीके से वो सेल वो ना उनका रिव्यूज फीडबैक दे रहे होंगे, तो आप इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल सेव कर लो अपने पास, और मैंने ऐसे किया, इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल से आप प्रोडक्ट्स देखो। ठीक है, और वहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं, और उनको शॉर्टलिस्ट कर लो, इवन आप कोई भी आप इन्फ्लुएंसर्स और भी जगह से उठा सकते हो सोशल ग्रोथ। ठीक है, वही इस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर अपनी नीच में देख लो, और उसमें ये है कि बेसिकली आप उन इन्फ्लुएंसर्स के आधार में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, आप उनसे अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हो अपनी यूट्यूब के लिए, अपने इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा एनालाइज करो अपने पास। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफाई योर नीच। ओबियसली आपको बता दिया, आपको पता होगा कि यार मैंने किस नीच में जाना है, कब उतरना है मैदान में, कब उतरना है, उसके सब नीच पकड़ो, नीच ना पकड़ो, नीच मेन नीच होगी, उस नीच के अंदर सब नीच, जितना ज़्यादा सब नीच में जाओगे ना, उतना आपके लिए कंपटीशन लो होता जाएगा, उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी उसमें, अपने ना एक पहचान बनाने के लिए, अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वैलिडेट योर सिलेक्टेड नीच चूजिंग फेसबुक ऑडियंस। अच्छा, फेसबुक ऑडियंस गिव इनसाइट इनटू हाउ मेनी पीपल इन पर्टिकुलर। अच्छा, ये फेसबुक एड्स को वालों को ज्यादा बेहतर पता होगा, मेरी फेसबुक एड नीच नहीं है, तो यहाँ से आप अपना आप पोटेंशियल चेक कर सकते हो, आपकी कैटेगरी जो है, आपकी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, और जो स्पेसिफिक उसकी रीच कितनी ऑडियंस तक जा रही है, कितनी उसकी जैसे अब आप चेक करो रेजिस्टेंस बैंड्स, रेजिस्टेंस बैंड्स आप देखोगे यार यूएस में इस रीजन में कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, तो आपको उनका दिखा देगा एज, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसको दिया हुआ, इसको यहाँ से आप इसको एनालाइज कर लो इसको पढ़ के। मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं भी इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिसर्च और वैलिडेशन बहुत इसेंशियल चीज़ है, रिसर्च अलग चीज़ है, वैलिडेशन अलग चीज़ है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपकी वैलिडेशन अच्छी नहीं है, तो आप अच्छा आइडिया तो ले होगे, लेकिन आप उस आइडिया को लॉन्च करने में आपको मुश्किलात पेश आएंगी। जैसे मुझे, अगर आपकी वैलिडेशन इंप्रूव है, आपके प्रोडक्ट्स भी इंप्रूव है, तो आप आगे जाके मार नहीं खाओगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे आपने कवर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेज हैं, और आप इनको चेक कर सकते हो, इवन इस ब्लॉग को भी आप देख सकते हो, मुझे बड़ा अच्छा इसका ब्लॉग लगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज़ें बताई हैं इसमें, और यहाँ पे अगर मेरा टूल चल जाता है तो मैं आपको वो उसके स्टैट्स दिखा देते हैं, प्रोडक्ट को थोड़ा छोटा सा एनालाइज करके दिखा देते हैं। अच्छा, ये फिलहाल पाकिस्तान आ गया, चाकू ये ना अभी तंग कर रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको यूएस करके देखते हैं, अगर कोई चल जाता था कि आपको विलियम से भी एक कुछ मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, किस तरह आपने एनालाइज करना। अब देखिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखें, 500 500 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ, मतलब किया जा सकता है, स्पेस है, अभी भी स्पेस है। ये पहली रो को देखो, 21 वाला है, 1000 है, बाकी 287 21 इस तरह है।
वो आप चेक कर सकते हो। आई थिंक ये ब्लैडर ब्लैडर कंट्रोल डिवाइसेस की सब कैटेगरी, और ये बड़ी कोई आइटम है, मुझे नहीं पता कि किसी ने लॉन्च किया या नहीं किया, लेकिन मेरी नज़र में ही तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस तरह इसको देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो चीज़ें अपने लिए आपसे जो आपको चीज़ें बेहतर लगें। तो बस ये था आज की वीडियो, और अभी ना टूल बड़ा तंग करके रखा हुआ है, तो हम इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको थोड़ा मजीद प्रोडक्ट वैलिडेशन की वीडियोस बनाएंगे ना, उसमें आपको ये चीज़ भी एक्सप्लोर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और कोई चीज़ समझ में आई तो पूछ लें, और ये वीडियो अपने पास सेव कर लें, आपको ये पूरे 2022 में काम आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।